नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं है, पर जानते हो तुम, बात तो कुछ है ना, जो मेरी इस कुछ में छिपी है, नहीं में नहीं। ये पंक्तियां हैं काव्य संग्रह शनिवार के इंतजार में से, और इन्हें लिखा है नीलिमा शर्मा जी ने। पॉडकास्ट के इस एपिसोड में हम इसी काव्य संग्रह से पढ़ेंगे कुछ चुनिंदा 5 कविताएं, और ये जो कविताएं हैं ये स्त्रियों की जो मनोस्थिति है उनको दर्शाती है, मन के भावों को शब्द देती हैं। नमस्कार, आप सुन रहे हैं द क्रिएटिव जिंदगी पॉडकास्ट विद मी गौरव सिन्हा। यूं तो इस काव्य संग्रह में अलग अलग विषयों पर कविताएं हैं, पर जो इसका एक मेजर थीम है, और जैसा कि इसका शीर्षक भी है शनिवार के इंतजार में, स्त्रियों की मनोदशा पर ही केंद्रित हैं, तो उनमें से कुछ चुनिंदा कविताएं आज हम पढ़ेंगे और उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं, और सबसे पहली जो कविता है इस काव्य संग्रह से उसका शीर्षक है चाबियां। चाबियां तब तक कीमती होती हैं जब तक रहती हैं ताले के इर्द गिर्द, और तब तक बना रहता है उनका वजूद और कीमत। जिस दिन ताला जंग से भर जाता है और फिट नहीं रहती उसकी अपनी ही चाबी उसके वजूद में, लाख तेल डालने और कोशिशों के बावजूद, तब, हाँ तब बनवाई जाती है उसके लिए एक नई चाबी जो खोल सके उसके बंद कोशों को, और नई चाबी के वजूद में आते ही फेंक दी जाती है पुरानी चाबी एक अनुपयोगी वस्तु की तरह, किसी भी दराज में या कूड़ेदान में, क्योंकि चाबी एक स्त्रीलिंग वस्तु है, उसका हश्र यही होता आया है। और जो अगली कविता है उसका शीर्षक है कंबख्त लड़कियां, और वो कुछ यूं है। मेरे नाम से मुझे जब पुकारती है एक लड़की और तहाती है मेरे धुले हुए कपड़े, झुंझलाता हुआ मैं झिड़क देता हूँ अक्सर, और तब भी खामोश रहती है बिना किसी उम्मीद के, प्यार में होती है न वह, और मैं उदास सा करवट बदलता हुआ याद करता हूँ सिर्फ एक जिस्म, जिस्म जो दिन रात मेरे इर्द गिर्द घूमता है एक निश्चित परिधि में बिना अपना ख्याल किए। यह लड़कियां कितनी कमजर्फ होती हैं, कमबख्त होती हैं, कितना भी दुत्कारो और फिर पुचकारो, सावन की झड़ी सी बरसती रहती हैं बस एक पल के सानिध्य के लिए। माँ कहती थी लड़कियां ख्याल भर नहीं होती, एक उम्र भर होती हैं, और इस एक उम्र में जी लेती है आने वाली 7 उम्र को सिर्फ 7 फेरों का खेल खेलकर, पैरों के तले पर गुदगुदी से खिलकर हंसने वाली लड़की। और जो तीसरी कविता है इस काव्य संग्रह शनिवार के इंतजार में नीलिमा शर्मा जी की लिखी, उसका जो शीर्षक है वो है एक स्त्री। सिमटा होता है पूरा घर फिर भी और समेट कर रखने की चाह रखती है स्त्री, बिखरा होता है उसका वजूद घर के कोने कोने में, और पराई लड़की होती है स्त्री। जिंदगी जितने भी गमों में डुबो दे भीगी आंखों से, पर हंसकर बोलती है स्त्री, कहीं तन ढकने को नहीं, कहीं तन ढकना नहीं, उम्र कोई भी हो पर सेक्स का सामान होती है स्त्री। उम्र भर बुनती है जाल अपने आशियाने का, एक मेहनतकश मकड़ी सी होती है स्त्री, धरती सी सह लेती है प्रसव की पीड़ा को अकेले ही भीतर, तब माँ होती है स्त्री। जिंदा मारी जाती है कोख में बेमौत ही, न बहन न माँ न ही बेटी, तब जहन में कहाँ होती है स्त्री। अगली जो कविता है उसका शीर्षक है सुबह सुबह, और वो कुछ यूं है। गंधाती देह मटमैली साड़ी, एक हाथ में कूड़ा दूसरे में गुहारी,
सड़कों पर दिख जाती सुबह सवेरे ऐसी सूरतें, सुगंधित थे क्रीज किए कपड़े, बच्चों को घसीटते दिमाग में हजारों लफड़े। सड़कों पर दिख जाती सुबह सवेरे ऐसी भी सूरतें, अलसाई देह तरतीबदार कपड़े, गपशप को तलाशती कोई चेहरा, थकी हुई वजूद को तलाशती, बनकर रहती घरेलू राजनीति का मोहरा। बालकनी से झांकती दोपहर में दिख जाती ऐसी भी सूरतें, शाम की बेला पंछी लौटेगा आग पेट की चूल्हे में पकती, दिन भर को समेटती मन में घड़ी में बांध देह की आग में तपती, चादर की सलवटों में रात अंधेरे रो देती हैं ऐसी भी सूरतें। इस एपिसोड के अंत में जो हम आखिरी कविता है जो हम पढ़ने वाले हैं उसका जो शीर्षक है वो है अभिज्ञात्यता। अभिज्ञात्यता जो शब्द है उसका मतलब होता है एलीट, जो या जो कुलीन लोग होते हैं, बहुत जाने माने लोग हम कहते हैं, एक ऊंचे वर्ग से आते हैं जिनका मान सम्मान होता है। अभी हाल ही में हिंदी दिवस मनाया गया था और हर साल की तरह हम सभी ने अपने अपने उस पर विचार रखे थे कि कैसे हिंदी को उसका जो एक स्थान है वो नहीं मिलता, हम उसे दूसरे दर्जे की भाषा मानते हैं वगैरह वगैरह, प्योरिस्ट कैसे उस भाषा को बढ़ने नहीं देते और क्या, सबके अपने अपने विचार होते हैं वो हम शेयर करते आए हैं। पर एक सिंपल सी बात ये है कि किसी भी भाषा का अगर आपको सम्मान करना है तो उसे पढ़िए, उसमें लिखिए, उसे बोलिए, आपस में जो बात हम करते हैं हिंदी का इस्तेमाल कीजिए उसमें, और वही उसका सही सम्मान है। उस पर गर्व करने और बड़ी बड़ी बातें करने से उसका कुछ सुधार या उत्थान नहीं होने वाला। ये जो शब्द है अभिजात्यता, ये बहुत ये कॉमन वर्ड नहीं है, एक आम बोलचाल की भाषा में हम इस शब्द को इस्तेमाल नहीं करते, पर इस कविता संग्रह को पढ़ते हुए मुझे जब ये जब शीर्षक की अभिजात्यता दिखा तो मुझे भी गूगल करना पड़ा, जबकि अभिजात्य का मतलब मुझे पता था लेकिन जब पहली बार इसको पढ़ा तो मुझे गूगल करके कंफर्म करना पड़ा कि हाँ यही इसका मतलब है। तो किताबें पढ़ने या फिर कविताएं पढ़ने से एक फ़ायदा ये भी है कि आप नए नए शब्द सीखते हैं और फिर कहीं ना कहीं उनका इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए लौटते हैं अभिजात्यता पर, नीलिमा शर्मा जी का जो काव्य संग्रह है शनिवार के इंतजार में, जो कि कुछ यूं है। रमती परेशान थी, इकलौती पांचवी पास औरत थी मोहल्ले की, और पति उज्जड़ गवार, रात शराब के नशे में उसने बकी थी उसको माँ बहन की गालियां, मर क्यों न गई रमती शर्म से। रमती आज मुस्कुरा रही है, सामने पीली कोठी वाली बाल कटी मेम साहब कल रात सड़क पर पति के हाथों पिटी है माँ बहन की गालियों के साथ। संस्कार किताबों के मोहताज नहीं होते, रमती हंस रही है किताबों पर, अपने पर, पीली कोठी की अभिजात्यता पर, खुद पर हंसना बनता है उसका। तो ये तो थी कुछ भारी भरकम कविताएं, इसके अलावा भी काफी अच्छी अच्छी कविताएं दूसरे विषयों पर भी है इस काव्य संग्रह में। तो अगर आप को ये कविताएं पसंद आई हैं तो आप जाकर इस काव्य संग्रह को खरीद सकते हैं, अमेज़न पर है, और पढ़िए कविताएं और पढ़कर सुनाइए दूसरों को भी, और इसी तरह हिंदी का जो है प्रचार प्रसार करते रहिए। तो उम्मीद है हमारी ये छोटी सी कोशिश, छोटा सा एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अपने विचार और सुझाव हमसे शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे थे द क्रिएटिव जिंदगी पॉडकास्ट विद गौरव सिन्हा।